हेलो विनीशियन, वीनस चैम्बर के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वीनस फ्यू मिनट सीरीज। इस सीरीज में आपके सिलेबस के सभी चैप्टर एकदम डीप में होंगे, सभी टॉपिक एकदम डीप में स्टडी करेंगे, वो भी कुछ मिनट में। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मोटर। सर्कुलेटरी सिस्टम का मोटर का मतलब दैट इज हमारा हार्ट, नन्ना सा छोटा सा हार्ट। वैसे नॉर्मली आपने मूवीज वगैरह में देखे तो हार्ट का तो मतलब डायग्राम कुछ ऐसा होता है। अच्छा सॉरी, हमारे पास रेड कलर भी है तो हार्ट का डायग्राम अगर आप देखें तो कुछ ऐसा तो होता है, बट नहीं, हार्ट की शेप ऐसी नहीं होती, हार्ट की शेप ऐसी होती है। अब मुझे नहीं पता कि हार्ट की शेप ऐसी किसने बताई, बट एक्चुअल में हार्ट की शेप ऐसी होती है। तो चलिए ठीक है, इसे स्टडी करते हैं। ये जो सामने से एक बहुत तेजी सा पेचीदा सा एकदम बहुत सारे लेबलिंग वाले डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं, ये हार्ट का, ये समझ लीजिए वर्टिकल सेक्शन है। वर्टिकल सेक्शन का मतलब जैसे वर्टिकल सेक्शन का जैसे जब आप किसी सब्जी को काटते हैं तो अगर आप उसे खड़ी करके काटेंगे तो वैसा ये सेक्शन है, ये इसे वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हार्ट में हम किसी भी एक ब्लड वेसल से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हार्ट में मैं बता दूं, हार्ट हमारे हार्ट के चार चेम्बर्स होते हैं। हमारा जो हार्ट होता है उसके चार चेम्बर्स होते हैं, फोर चेम्बर्स। एंड चेम्बर का मतलब ये मत समझ लीजिए कि ये जो हमारा हार्ट है इसके अंदर चार एकदम दरवाजे, मतलब चार ब्लॉक्स की तरह है जो खुलते नहीं है, एकदम बंद। हमारे हार्ट में ओवरऑल ये समझ लीजिए कि चार रूम की तरह है, और हर एक रूम में दूसरे रूम में जाने का रास्ता है, और कुछ रूम जो है उसमें तो बाहर से आने का भी रास्ता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे बॉडी, हमारे जो हार्ट है वो चार चेम्बर होता है। क्यों होता है बाद में स्टडी करेंगे, अभी के हम देखते हैं। तो चारों चेम्बर क्या होते हैं, इन चारों चेम्बर के नाम क्या है। सबसे पहले हमारा चेम्बर है, ये है हमारा राइट एट्रियम। उसके बाद जो अगर आप देखें तो ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, फिर ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। थोड़ी सी स्पेलिंग आपको नजर नहीं आ रही होगी, थोड़ी सा ब्लर इमेज है, बट कोई बात नहीं। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा पूरा हार्ट चार चेंबर का। अब ये चेंबर्स का काम क्या होता है मैं बता दूं, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल को याद करने का तरीका यही है, दैट इज अगर आप देखें तो नीचे वी बन रहा है, ये ध्यान से देखिए, देखो नीचे ऐसे वी सा बन रहा है, तो नीचे वाले वेंट्रिकल, ऊपर वाले एट्रियम। अब चलिए देखिए, देखते हैं इसमें से ब्लड कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो चलिए, तो जैसे मान लीजिए हमारा जो वेना केवा है, वेना केवा से हमारा जो ब्लड है वो अंदर आ रहा है। हम देखेंगे वेना केवा क्या होती है, बस ये मान लीजिए अभी ब्लड अंदर आया, लेफ्ट राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में आया तो राइट एट्रियम के बाद क्या होता है ना, जो हार्ट होता है ना वो कोलैप्स करता है। कोलैप्स का मतलब पिचकता है। तो हार्ट के चारों चेंबर, चार चेंबर एक साथ पिचकते नहीं है, हार्ट के पहले के दो चेंबर पिचकते हैं, फिर नीचे के दो चेंबर पिचकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब हार्ट जो चार चेंबर होते हैं तो ऊपर के दो चेंबर पहले पिचकते हैं, फिर नीचे के दो चेंबर बाद में पिचकते हैं, उसके बाद फिर ऊपर के दो पिचकेंगे, फिर नीचे के दो पिचकेंगे। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। तो सबसे पहले क्या होता है, दैट इज ये जो ऊपर के दो चेंबर हैं ये दोनों पिचकेंगे यानी कोलैप्स होंगे। तो ऊपर के दोनों चेंबर यानी लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम दोनों पिचकेंगे। तो जब ये दोनों पिचकेंगे तो यहाँ से जो ब्लड है ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ आएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, इनको प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ से ब्लड जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा। जब यहाँ से ब्लड नीचे की ओर आएगा तो आप देख सकते हैं दैट इज यहाँ से ब्लड नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर आपको ये दो चीजें नजर आ रही होंगी, दैट इज ये, एक तो ये चीज है और दूसरी ये चीज है। ये दोनों चीजें क्या है, इन्हें बोलते हैं वॉल्व। क्या बोलते हैं, वॉल्व। व्हाट इज वॉल्व, वॉल्व क्या होती है, इन्हें हम बोलते हैं वॉल्व। हाँ वॉल्व, इट इज वी। हाँ तो वॉल्व का काम क्या होता है, वॉल्व इज जस्ट लाइक लाइनिंग की तरह होती है जो ये कंफर्म करती है चीज पीछे ना चली जाए। वॉल्व कैसी होती है, जैसे अगर मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप के अंदर अगर वॉल्व ऐसी है तो यहाँ से जब ब्लड आएगा तो प्रेशर से पाइप को खोल, ये जो वॉल्व है खोलेगा, प्रेशर पड़ेगा, वॉल्व खुल जाएगी और ब्लड आगे आ जाएगा। बट यही ब्लड अगर रिवर्स में इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा तो ये वॉल्व नहीं खुलेगा, ये ऐसे बंद हो जाएगा, ये खुलेगा नहीं। तो वॉल्व होता है, वॉल्व का काम होता है दैट ये वेन्स में भी वॉल्व होती है। तो वॉल्व से क्या हो गया, दैट इज ये जो है ये इससे ब्लड अंदर की ओर आ गया। अब यहाँ पर जो ब्लड है वो वापस नहीं जा सकता, ठीक है। अब नीचे के दोनों जितने भी चेम्बर्स हैं ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ब्लड कहाँ जाएगा, वापस अपने पिछले वाले में तो जा नहीं सकता, पिछले वाले, क्योंकि वो तो वॉल्व ने बंद कर दिया दरवाजा। तो यहाँ से जब प्रेशर पड़ता है तो यहाँ से ये निकलता है बाहर की ओर ब्लड, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए आपको वॉल नजर आ रहे हैं, यहाँ से ब्लड निकल जाता है वेना केवा फॉर अपर बॉडी, या फिर आप ये कह सकते हैं दैट इज ये यहाँ से, सॉरी यहाँ से तो हाँ यहाँ से जो ब्लड निकल जाता है वो निकल जाता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ।
ये गलत, माफ कीजिएगा, ये मैंने ये कर लिया, तो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ चला जाता है। चलिए अभी कहाँ है कैसे है ये भूल जाइए। फिर पल्मोनरी आर्टरी से घूम फिर के जो ब्लड आता है वो आता है पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से ये ब्लड अंदर आता है, सबसे पहले दरवाजे में घुसता है, दरवाजे ये दोनों दरवाजे, उसके बाद ये दोनों मतलब ये जो दोनों के दोनों ऊपर के दोनों चेंबर होते कोलैप करते हैं, जब ऊपर के दोनों चेंबर कोलैप करते हैं तो अगेन वही होता है, दैट इज ये जो ब्लड है वो नीचे की ओर आ जाता है। फिर नीचे जब आ जाता है तो फिर नीचे के चेंबर दोनों कोलैप करते हैं, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों एक साथ कोलैप करते हैं। तो जब यहाँ से, अब देखो पीछे तो जा नहीं सकता क्योंकि देखिए यहाँ पर वॉल है, ये बंद हो चुकी होगी, तो यहाँ से ये निकल के चला जाता है ऑर्टा में। चलिए फिर ऑर्टा से घूम के ये वापस जो ब्लड है वो वेना केवा में वापस आ जाता है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो फिर अगेन वेना केवा में वही होता है, दैट इज यहाँ से वेना केवा से अंदर आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम कोलैप करता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल कोलैप करता है पल्मोनरी आर्टरी, फिर घूम के पल्मोनरी वेन से अंदर आता है, फिर से कोलैप करता है, यानी ऊपर के दोनों चेंबर कोलैप करते हैं लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड समथिंग, ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। तो ये था आपका हार्ट का डायग्राम, याद रखने का, एग्जाम में आता है, बहुत बहुत सारे बच्चे सोचते हैं दैट इज इतनी जरूरत नहीं है इसको पूरा याद करने की, एक और दूसरा डेमो टाइप का डायग्राम भी होता है वो बना ले, बट नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये डायग्राम याद करें। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तो सर्कुलेशन बाद में देखेंगे कि सर्कुलेशन होती कैसे है, अभी के लिए जो हमारा जो मेन डाउट है दैट इज साइनो एट्रियल नोड या फिर पेसमेकर। अब साइनो एट्रियल नोड या फिर ये जो पेसमेकर होता है ये क्या होता है ये एक बार हम देखेंगे। तो देखिए पेसमेकर या फिर साइनो एट्रियल नोड क्या होता है, आपका जो हार्ट होता है ना उसके सबसे कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर में एक बिंदु होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो हार्ट पंप क्यों करता है या कैसे पंप करता है या इसके ऊपर कौन सिग्नल देता रहता है जो हार्ट पंप करो पंप करो पंप करो, हार्ट आपके पैदा होने से लेकर मरने तक हार्ट रेगुलर पंप करता रहता है, तो ये पंप कैसे करता रहता है कैसे, तो ये जो है ये होता है साइनो एट्रियल नोड। ये डायरेक्टली इसका जो कनेक्शन होता है वो ऊपर से होता है, ऊपर का मतलब ठीक है, वैसे तो हमारे यहाँ ऊपर का मतलब भगवान होता है लेकिन यहाँ पर ऊपर का मतलब ब्रेन है, तो इसका डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो ब्रेन से है, ब्रेन यहाँ पर सिग्नल भेजता है, सिग्नल आते हैं साइनो एट्रियल नोड में तो ये सिग्नल आगे पास कर देता है, सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिसिटी के झटके समझ लीजिए, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे जाते हैं ये नीचे की ओर। अगर आप देखें तो देखिए पहले तो ऊपर के दोनों एट्रियम यानी राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में पूरे दोनों सिग्नल गए, तो दैट्स व्हाई ये दोनों पहले कोलैप्स करे, फिर उसके बाद यहाँ से ये जो सिग्नल है ये गए राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, दैट्स व्हाई ये बाद में कोलैप्स करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आप देखते हैं दो चेंबर एक साथ कोलैप्स क्यों करते हैं, क्योंकि साइनो एट्रियल नोड से पहले के दो ऊपर के दो चेंबर में सिग्नल गए तो ये दोनों पहले खिंचके, फिर नीचे के दोनों चेंबर में सिग्नल गए ये दोनों बाद में खिंचके, तो दैट इज व्हाई अगर आप देखें तो ये होता है साइनो एट्रियल नोड का काम, ये ब्रेन से सिग्नल लेके अंदर हार्ट को देता है पंप करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। चलिए इसके अलावा ये यहाँ पर अगर आपको देखो ये जो चीज है इसे एवी नोड या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, ये साइनो एट्रियल नोड का छोटा छोट मतलब आगे जाके एक और नोड है, इसके ऊपर तो ध्यान मत दीजिए। तो ये था आपका हार्ट का डायग्राम, अब एक बार हार्ट के बारे में कुछ चीजें और समझ लेते हैं सो दैट आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी हार्ट कैसे काम करता है। तो देखिए तो ये जो हार्ट होता है, हार्ट का जो काम होता है वो बहुत सिंपल होता है, दैट इज ये एकदम आपके फिस्ट जितना होता है, यानी आपके ये समझ लीजिए दैट इज एकदम आपकी मुट्ठी जैसा, और ये देखिए पंप कर रहा होता है, ये हार्ट जाने के बाद ये जो देखिए ये जो पोर्शन है आपकी कैपिलरीज है, ये ऑक्सीजन दे रही है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाएगी तो ब्लू हो जाएगी। अब देखिए ये आपका हार्ट पंप कर रहा है, पांच ये 1 मिनट में 5 क्वार्ट्स या फिर एक पूरे दिन में लगभग 10 लाख के करीब, सॉरी 1 लाख के करीब ये पूरा बीट करता है, मतलब बहुत ज्यादा बीटिंग करता है, हमेशा बीट करता रहता है। अब देखिए जो आपका वेना केवा से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आया एंड उसके बाद फिर ये ब्लड यहाँ से पंप करके अंदर पूरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पूरी लंग्स में चला गया, लंग्स का काम होता है इन्हीं इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से आया आपका लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर देखिए ये पूरा एकदम ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला गया, फिर पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वापस लाएगा। अब देखिए ये आपके वॉल्व है, ये दो अलग, ये बहुत अलग अलग नाम है वॉल्व के, अगर आप देखें आपको सिर्फ वॉल्व याद रखना है, इतना ज्यादा याद नहीं रखना अलग अलग नाम। अब देखिए जो वॉल्व, ये देखिए जो पंप करते हैं तो देखिए कैसे रोक लेता है, यहाँ पंप कर रहा है तो ऊपर वाले रोक रहे हैं, यहाँ पंप कर रहा है तो ये वाले रोक दे रहे हैं, सो दैट सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में
फ्लो रहेगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। अब हम दो चीजें और पढ़ेंगे, तो सिस्ट्रॉल एंड डायस्ट्रॉल क्या चीज होती है। देखिए जब, चलिए हम नेक्स्ट आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको हार्ट कंपनी पूरी समझ में आई गई, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आशा है आपको समझ में आया होगा।